प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग प्यारे मित्रों? अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करें। प्यारे मित्रों, हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपका साथ, आपका विकास और हमारा आत्मविश्वास है। आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद साथियों। आज है 15 अप्रैल 2020, और 15 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिन है 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को पहला विश्व चरगास रोग दिवस मनाया जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है करंट अफेयर के लिए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की रक्षा से खबर आई है। भारतीय सेना ने इस अभियान के दौरान भारतीय सेना के साहस का सम्मान करने के लिए 13 अप्रैल 2020 को 36वां सियाचिन दिवस मनाया। तो कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत मनाया गया? ये ऑपरेशन है मेघदूत। साथ ही साथ जान लेते हैं भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवे, ये 28वें अध्यक्ष है। चलिए इनकी फोटो देख लेते हैं। ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, 28वें अध्यक्ष है, और भारतीय थल सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। चलिए आज की अगली खबर की ओर। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय से है। यह है देश 155 10 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के हार्पून ब्लॉक सेकंड प्रतीक प्रक्षेपास्त्र और टोरपीडो को भारत को बेचेगा। तो कौन बेचेगा? ये अमेरिका बेचेगा। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। साथियों, ये डोनाल्ड ट्रंप है, और यहाँ की मुद्रा का नाम डॉलर है। चलिए आज की अगली खबर की ओर। अगली खबर राष्ट्रीय से आई है। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इस संस्थान द्वारा विकसित किया गया। तो कौन सी संस्थान द्वारा किया गया? ये एम्स ऋषिकेश के द्वारा शुरू किया गया। एम्स की फुल फॉर्म है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इंग्लिश में जान लेते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये इसकी पिक्चर है एम्स की। चलिए आज की अगली खबर की ओर। प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए, जो इस कार्यालय के अधीन कार्य करते हैं। किस कार्यालय के अधीन? CLC यानी मुख्य श्रम आयुक्त के अंतर्गत, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 20 कक्ष स्थापित किए हैं। किसके लिए? प्रवासी श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए। अगली खबर, भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की कौन सी? देखो अपना देश, ये श्रृंखला शुरू की है। किसने शुरू की? संस्कृति और विरासत मंत्रालय ने, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। देश के बच्चों के लिए इस संगठन के साथ साझेदारी में फिट इंडिया द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम के तहत लाइव फिटनेस सत्र आयोजित किया जाएगा। कौन करेगा? CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, और इसके अध्यक्ष का नाम है अनीता करवाल। चलिए उनकी पिक्चर देख लेते हैं। ये है अनीता करवाल। आज की अगली खबर व्यक्ति विशेष से। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, जिन्हें दुनिया भर में नीतिगत मुद्दों और विकास पर विचार प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 12 सदस्य बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया, तो उनका नाम है रघुराम राजन जी। रघुराम राजन जी की बात हो गई है, तो इनके बारे में जानना बनता है। इनकी भी पिक्चर देख लेते हैं।
साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं। ये है रघुराम राजन। अगली खबर, वे व्यक्ति जिन्हें क्रम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में विशेष कार्यकृत कर्तव्य पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, वे कौन है? जे पाकिरी स्वामी, जो आंध्र प्रदेश बैंक के एमडी और मृत्युंजय महापात्रा सिंडिकेट बैंक के सीईओ है। आज की अगली खबर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नवनियुक्त चौथे कार्यकारी निदेशक कौन है? विरूपाक्ष मिश्रा। अगली खबर, 3 महीने के लिए नियुक्त महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक बनाए गए अनुराधा प्रसाद। अगली खबर, कर्नाटक बैंक के पुनः नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बैंक प्रबंधक कौन बने? MS महाबलेश्वर। साथियों, आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। मैं जो भी फैक्ट आपको बताऊंगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज की अगली खबर खेल विज्ञान से, उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद BCCI उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? उनका नाम है महीम वर्मा। आइए इनकी पिक्चर देख लेते हैं। आज की अगली खबर ज्ञान विज्ञान से, इस रक्षा इकाई के दूर दराज के इलाकों जैसे द्वीप और जहाजों से सुरक्षित रूप से COVID-19 रोगियों को निकालने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित एक स्मार्ट एयर इनोवेशन पॉन्ड APP विकसित किया है। तो किसने किया? भारतीय नौसेना का नौसेना विमान यार्ड ने। अगली खबर की ओर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार भारत में पहली बार भारतीय चमगादड़ों की इन दो प्रजातियों में रोगजनक कोरोना विषाणु पाए गए हैं। तो साथियों, चमगादड़ की दो प्रजातियों में कोरोना वायरस के विषाणु पाए गए हैं। उन प्रजाति का नाम है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स और रूसोट्स। आज की ज्ञान विज्ञान से खबर, सामान्य ज्ञान से, सियाचिन हिम प्रदेश पर नियंत्रण पाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत जो 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था। अगली खबर, समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ही है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में और काराकोरम पर्वत में स्थित है। अगली खबर, भारत खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष 1984 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथियों, आप साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रथम अखिल भारतीय आयुर्वेद आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली की स्थापना वर्ष 1956 को हुई। मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ इमेज एम्स की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना वर्ष 1948 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक मंडल BCCI की स्थापना वर्ष 1928 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है BCCI का। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथियों, वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो लाइक करना और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।